जय हो। ऐसे नक्षत्र 1600 सालों में एक बार होते हैं कि सारा ब्रह्मांड इन नजरों को मिलाने में जुट जाए। सुनहरे शब्दों में लिखी थी इसकी कुंडली, लेकिन दिस गाय वाज बिजी इन खुजली। सत्यानाश, आंखें खुली होंगी बस। पुराने घरेलू नुस्खे छोड़िए और लीजिए नया इचगार्ड प्लस। इसमें है दमदार टर्बिनाफिन जो पसीने से होने वाली खुजली पर करे 4 गुना तेज असर। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। कुछ ना तेरे बस में है, ना आदि ना अंत, जो आया वो जाएगा, कह गए साधो संत। बोल, तूने क्या देखा? छोड़ दे, गूंगा है। भाई साहब, आपका शूलेस। जो आया वो जाएगा। खुल गया है। तो भक्तों, सेंटर फ्रेश चबाइए, जुबान पे लगाम लगाइए। दिमाग की बत्ती जला दे मेंटोस। अब आ रहे हो? गेट आउट। ये है आम जिंदगी। कहां जा रहे हो? सिट डाउन। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे।
सेंटर फ्रूट कैसे चीप लप लप भाई। डॉक्टर मेरे दांत में दर्द है। डॉक्टर तुम हो? धक धक क्या मैं? पर सांस लो ऐसे नहीं ऐसे। Zatac perfume deals, just Zatac her. सर, what is it, प्रकाश? सर वो छुट्टी चाहिए था सर। छुट्टी? सर वो हमारी शादी है सर। हो लड़की कहाँ की है? वो आपकी बेटी है। कंग्रेचुलेशंस प्रकाश, कंग्रेचुलेशंस। व्हाट एन एक्सलेंट चॉइस। तुम जानते हो कि तानिया हार्वर्ड ग्रेजुएट है। शादी का प्लान क्या है? हमने बैंक से लोन ले लिया है तो हम सोच रहे थे कि सर गांव में ही शादी कर लेंगे उन्नाव में। ये शादी सारा मुंबई देखेगा, याद रखेगा। और शादी होगी रेबॉर्न स्टेडियम में। तीनों खानों को नचवाऊंगा मैं प्रकाश। हाँ, हनीमून होगा वेनिस, पेरिस एंड लास वेगास। एक काम करो, मेरा प्राइवेट जेट लेकर जाना। सर जेट कभी उड़ाया नहीं सर हमने गाड़ी। प्रकाश अब ये ड्राइवर गिरी छोड़ दो। कल से तुम मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होगे। ओके सर। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहें उम्मीद से ज्यादा तो ले आइए 5-in-1 वेरियो कूल क्रूज एयर कंडीशनर। ये करे कूल, हीट, डीह्यूमिडिफाई, प्योरिफाई और डिओड्राइज। क्रूज, स्टे कूल दिस समर। अब क्या बताऊं, ऐसे ही है सूरज। गुस्से में लाल नहीं, आग का गोला हो जाता है। ये कहानी है गर्म सूरज की, उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की। ये कहानी है इस गर्म शरीर के ठंडे सपनों की। एक टॉय से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा। मंगलयान पर बैठ के धरती पर आया ये एलियन। बाल देखे इसके लाल। सूरज की अम्मा सूर्य वंशम देखी रही 150 बार। तभी ना पैदा हुआ है सूर्य वंशम। मासूम सूरज अपनी गर्मी से अनजाना था। आइसक्रीम खाने के लिए दीवाना था। सॉफ्टी पकड़ता तो जल जाती और दूध की कुल्फी पिघल जाती। घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही। तू हमारा हाथ जला देता है। पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही। पर भाई हौसला तो रखना था, भाई बच्चा भी तो अपना था। ठंडे को गर्म करना, बाल्टी के पानी को बॉयल करना, बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी कभी मस्ती में डेयर डेविल बनना। मम्मा, सूरज ने मेरा रॉकेट जला दिया। फेस पे कल्लन के खेत की मुल्तानी मिट्टी, हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तेल, पीठ पे शाहरुख का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बर्फ डिपो का आइडिया भी भाप बन गया। माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया। मंदिर की घंटी, चर्च में फादर बंटी, गुरुद्वारे की सीढ़ियाँ और दरगाह की कवालियाँ। पर सूरज ज्यों का त्यों रहा मियाँ। बस अब लास्ट रिजॉर्ट है इसकी शादी। शायद इसी से इसकी गर्मी निकल जाए। लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी। सूरजमुखी शर्माते हुए भजिया तल रही थी। इतने में लड़की के पप्पा छिल्लर जी बोले, तो चक्रवर्ती साहब रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ जरूर, पर हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड। छिल्लर फैमिली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड।
सुनकर छिल्लर जी फिर से बोले, बस इतनी सी बात। बेटा सूरजमुखी, अरे सबका मुंह मीठा कराओ भाई। सूरजमुखी झट से कुल्फी ले आई, एक एक करके सबको थमाई। थैंक यू। ले लीजिए। बट इस बार सूरज की कुल्फी ना पिघल पाई और ये देख छुटकी चिल्लाई, मम्मा भैया ठीक हो गए। रिश्ता पक्का हो गया, सूरज वाकई चंगा हो गया। इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया।